हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन नंदनवार और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पे मैं बीएससी एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंटेंट अपलोड करता हूँ। आज हम देखने वाले कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ क्वेश्चन। मैंने कन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये बता रखा है, तो आप यहाँ पे आई टैब पे वहाँ जाके देख सकते हो। तो देखो एग्जाम्पल दे रखा है, कंसिडर द ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू इक्वल्स टू जेड इंटू ई टू द पावर आई इंटू पाई बाई फोर। डिटरमाइंड द रीजन आर डैश ऑफ डब्ल्यू प्लेन करस्पॉन्डिंग टू द ट्रायंगुलर रीजन आर बाउंडेड बाय द लाइंस। ये हमें लाइंस दे रखे हैं, ठीक है। और क्या पूछा है कि डब्ल्यू इक्वल्स टू जेड इंटू ई टू द पावर पाई बाय फोर का हमें क्या निकालना है, ट्रायंगुलर रीजन निकालना है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है ये किस टाइप का है पहले ये देख लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। देखो डब्ल्यू इक्वल्स टू ई टू द पावर आई इंटू थीटा ऑफ जेड, तो ये ई टू द पावर वाला है मतलब रोटेशन वाला है, ठीक है। तो यहाँ अगर थीटा ग्रेटर देन जीरो होता है तो उसमें क्या होता है, जो डायग्राम होती है फिगर होती है वो क्या करती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। और थीटा की वैल्यू अगर निगेटिव होती है, लेस देन जीरो निगेटिव होती है, तो क्या करेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेगी। यहाँ थीटा की वैल्यू दे रखी है पाई बाय फोर, दैट 45 डिग्री, तो 45 डिग्री में क्या करेगी, रोटेट करेगी एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो सोल्यूशन, पहले तो जो हमें लाइन के इक्वेशन दे रखे हैं उसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे और फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है उसको सॉल्व करेंगे। देखो देखो एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, ये एक्स एक्सिस एंड दिस इज अ वाई एक्सिस ओरिजिन ओ, और ये भी जीरो है और यहाँ दे रखा है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वन, मतलब एक्स इक्वल्स टू वन होता है और यहाँ से वाई इक्वल्स टू वन, तो ये वन एक्स का और ये वाई का वन, ऐसा ग्राफ मिलेगा। ये होगा लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वन और ये हमारा होगा रीजन आर और इसे हम डिनोट करेंगे जेड प्लेन ए एंड बी। तो यहाँ पे हमने जो ग्राफ ड्रॉ कर लिया है उसको हम थोड़ा सा लिख लेंगे, लेट ओ ए बी बी द ट्रायंगुलर रीजन आर बाउंडेड बाय द लाइन्स एक्स इक्वल्स टू जीरो वाई इक्वल्स टू जीरो एंड एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वन। जो ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है उसको सॉल्व करेंगे और फिर हमें यू और वी के कोऑर्डिनेट मिलेंगे। देखो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज डब्ल्यू इक्वल्स टू जेड इंटू ई टू द पावर आई इंटू पाई बाय फोर। डब्ल्यू मतलब होता है यू प्लस आई इंटू वी इक्वल्स टू, जेड मतलब होता है एक्स प्लस आई इंटू वाई और ई टू द पावर आई इंटू पाई बाय फोर। मैंने आपको पहले बताया था कि ई टू द पावर आई इंटू थीटा की जो वैल्यू होती है कॉस ऑफ थीटा प्लस आई इंटू साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है पाई बाय फोर है, तो यहाँ क्या होगा, कॉस पाई बाय फोर प्लस आई इंटू साइन पाई बाय फोर, कॉस पाई बाय फोर प्लस आई इंटू साइन पाई बाय फोर। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से पहले हमें क्या करना होगा कि जो कॉस पाई बाय फोर और साइन पाई बाय फोर की जो वैल्यू है यहाँ पुट कर लेंगे, तो कॉस पाई बाय फोर की जो वैल्यू होती है वन बाय रूट ऑफ टू और साइन पाई बाय फोर की वैल्यू वो भी क्या होती है वन डिवाइडेड बाय रूट ऑफ टू। यहाँ से वन बाय रूट टू कॉमन ले लेंगे, तो ये होगा वन डिवाइडेड बाय रूट ऑफ टू इंटू एक्स प्लस आई इंटू वाई और यह रहेगा वन प्लस आई इंटू वन और यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से मिलेगा वन डिवाइडेड बाय रूट ऑफ टू इंटू द ब्रैकेट एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स प्लस आई इंटू एक्स प्लस आई इंटू वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आई इंटू वाई प्लस आई इंटू आई आई स्क्वेयर और आई स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन, तो ये होगा माइनस इंटू वाई। यहाँ से अगर सेपरेट करें तो रियल पार्ट एक्स और यहाँ से माइनस वाई, मतलब वन डिवाइडेड बाय रूट ऑफ टू इंटू एक्स माइनस वाई और इमेजिनरी पार्ट होगा वन बाय रूट ऑफ टू इंटू यहाँ से एक्स और यहाँ से वाई एक्स प्लस वन और याद दे रखा है यू प्लस आई इंटू वी, तो रियल पार्ट होगा ये और इमेजिनरी पार्ट होगा ये। देखो वहाँ से हमें यू मिलेगा वन डिवाइडेड बाई रूट ऑफ टू इंटू एक्स माइनस वाई और वी जो होगा वन डिवाइडेड बाई रूट टू इंटू एक्स प्लस वाई।
फिर क्या करेंगे, जो एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट से यहाँ पे पुट कर लेंगे, फिर हमें यू और वी मिलेगा। देखो अंडर दिस चेंज एक्स इक्वल्स टू जीरो, वाई इक्वल्स टू जीरो एंड एक्स प्लस वाई, ये वैल्यू पुट कर लेंगे। तो देखो यहाँ से यू में जीरो पुट कर लेते हैं तो ये मिलेगा वन बाई रूट ऑफ टू इंटू जीरो माइनस वाई, दैट इम्प्लाइज यू इक्वल्स टू माइनस वाई डिवाइडेड बाई रूट ऑफ टू। फिर हमें वी में पुट कर लेते हैं एक्स की वैल्यू, तो ये मिलेगा वन बाई रूट ऑफ टू इंटू जीरो प्लस वाई इक्वल्स टू वाई डिवाइडेड बाई रूट ऑफ टू। तो देखो यू और वी में वाई मिल रहा है हमें, तो वाई नहीं चाहिए, सिर्फ हमें पॉइंट चाहिए, या फिर पॉजिटिव हो सकते या फिर निगेटिव हो सकते। तो यहाँ से हम वाई कैंसिल करेंगे, तो यहाँ माइनस वाई और ये प्लस वाई दे रखा है, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे यू और वी को, तो ये वाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मैं u प्लस वी कर लेते हैं तो ये मिलेगा जीरो। फिर y की वैल्यू है जीरो पुट कर लेंगे तो u होगा वन डिवाइडेड बाई रूट ऑफ टू इंटू एक्स माइनस जीरो, मतलब u इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ टू। वैसे अगर v में पुट कर लेते हैं y की वैल्यू, तो ये होगा वन डिवाइडेड बाई रूट ऑफ टू एक्स प्लस जीरो इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई रूट ऑफ टू। तो देखो यहाँ पे भी x आ रहा है, तो x कैंसिल करने के लिए x और x पॉजिटिव है तो उनको माइनस करेंगे u और v को, तो यहाँ से हमें मिलेगा u माइनस वी इक्वल्स टू, ये भी x डिवाइडेड बाई रूट ऑफ टू, यहाँ पे भी x डिवाइडेड बाई रूट ऑफ टू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। फिर हम x प्लस वाई इक्वल्स टू वन जो है यहाँ u और v में पुट कर लेंगे, तो u में देखो x प्लस वाई है ही नहीं तो उसको छोड़ेंगे, v में x प्लस वाई है तो वहाँ पे पुट कर लेंगे ये v इक्वल्स टू वन डिवाइडेड बाई रूट ऑफ टू इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई की जगह हम वन पुट कर लेते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा v इक्वल्स टू वन डिवाइडेड बाई रूट ऑफ टू। तो जो हमें पॉइंट दे रखे हैं इसका हम क्या निकालेंगे, ग्राफ निकालेंगे। देखो दिस इज u एक्सिस एंड दिस इज v एक्सिस, ये होगा ओरिजिन o डैश। पहला जो पॉइंट दे रखा है u प्लस v इक्वल्स टू जीरो, तो वहाँ से u पॉजिटिव रहेगा और v क्या रहेगा, निगेटिव, मतलब ये लाइन ऐसी होगी। फिर u माइनस वी इक्वल्स टू जीरो, वहाँ से अगर v को उस साइड लेके जाते हैं तो u क्या होगा, u इक्वल्स टू v, मतलब ये ऐसा होगा। फिर v इक्वल्स टू वन डिवाइडेड बाई रूट ऑफ टू, तो इसकी वैल्यू करीब 0.7 होती है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 है तो 0.7 का होगा यहाँ पे होगा, तो ये ऐसा होगा। तो हमें जो ग्राफ मिल रहा है ये ग्राफ मिल रहा है, और ये ओरिजिन होगा आर डैश, ये ओरिजिन ओ डैश, दिस इज ए डैश एंड दिस इज बी डैश, और ये जो प्लेन होता है ये होता है डब्लू प्लेन। ये पहली लाइन है यू प्लस वी इक्वल्स टू जीरो, ये दूसरी लाइन यू माइनस वी इक्वल्स टू जीरो, और ये है वी इक्वल्स टू वन डिवाइडेड बाई रूट ऑफ टू। तो जो हमें मिला है और जो लाइन के इक्वेशन मिले ये हम लिख लेंगे, दस द ट्रांसफॉर्म ट्रायंगुलर रीजन रीजन इन जेड प्लेन मैप ऑन अ ट्रायंगुलर रीजन R dash in W plane bounded by the lines पहली लाइन है u plus v equals to 0, सेकंड लाइन u minus v equals to 0 एंड थर्ड v equals to 1 divided by root of 2। ये जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है ये रोटेशन वाला ट्रांसफॉर्मेशन है, और जो पाई बाय फोर है ये क्या है, एंगल है। तो ये लिख लेंगे यहाँ पे द मैपिंग W इक्वल्स टू जेड इंटू ई टू द पावर आई इंटू पाई डिवाइडेड बाई फोर परफॉर्म अ रोटेशन ऑफ आर थ्रू एन एंगल पाई डिवाइडेड बाई फोर।
और एक क्वेश्चन देख लेंगे। देखो देखो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, डब्ल्यू इक्वल्स टू जेड इंटू ए टू द पावर आई इंटू पाई बाई फोर इंटू रूट ऑफ टू। तो अभी मैंने बताया था आपको कि ई टू द पावर होगा तो क्या होगा, रोटेशन वाला ट्रांसफॉर्मेशन यूज होगा, और जेड डब्ल्यू इक्वल्स टू जेड इंटू ए होता है, मतलब यहाँ पे क्या है रूट ऑफ टू, तो ये मैग्निफिकेशन दैट मीन्स स्ट्रेचिंग या फिर उसको क्या बोलेंगे कॉन्ट्रेक्शन। ए की वैल्यू ग्रेटर देन वन होती है तो ये क्या करता है स्ट्रेच करता है, और ए की वैल्यू अगर जीरो और वन के बीच में होगी तो ये क्या करेगी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो इसका सॉल्यूशन देख लेंगे। सॉल्यूशन पहले तो जो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं लाइन के इक्वेशन दे रखे हैं उसका हम ग्राफ निकालेंगे। तो ये होगा एक्स एक्सिस एंड ये होगा वाई एक्सिस। एक्स जीरो है मतलब यहाँ स्टार्ट होगा, वाई भी जीरो है मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर एक्स इक्वल्स टू टू ये होगा टू, और y इक्वल्स टू थ्री दे रखा है वन टू थ्री। तो ये हमें रीजन मिल रहा है ये वाला, ये कॉमन रीजन होगा रीजन R, ये O A B एंड C होगा x जीरो, ये होगा y जीरो, फिर ये होता है x इक्वल्स टू टू एंड दिस इज y इक्वल्स टू थ्री एंड दिस इज अ z प्लेन। देखो लेट द given region are bounded by the lines x equals to 0, y equals to 0, x equals to 2 and y equals to 3। फिर जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है उसको हम सॉल्व कर लेंगे, फिर हमें पॉइंट्स मिलेंगे u और v के। गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज W equals to Z into e to the power I into pi by 4 into root of 2। तो W मतलब होता है U plus I into V, Z होता है X plus I into Y, और e to the power I into pi by 4 मैंने आपको बताया था cos of pi by 4 plus I into sin of pi by 4 into root of 2। यहाँ से हम X plus I into Y ऐसे ही लिख लेंगे, फिर cos pi by 4 की जो वैल्यू होती है 1 divided by root of 2, साइन पाई बाय फोर की वैल्यू ये भी क्या होगी वन बाय रूट ऑफ टू इंटू रूट ऑफ टू। तो यहाँ से वन डिवाइडेड बाय रूट रूट टू अगर कॉमन लें तो यहाँ से रूट टू कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ सिर्फ रहेगा वन प्लस आई इंटू वन। तो ये होगा एक्स प्लस आई इंटू वाई इंटू प्लस आई, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा एक्स प्लस आई इंटू एक्स प्लस आई इंटू वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आई इंटू वाई प्लस आई इंटू आई आई स्क्वायर, और उसकी वैल्यू क्या रहती है माइनस वन, तो ये होगा माइनस इंटू वाई। यहाँ से रियल ले तो यहाँ एक्स माइनस वाई ये रियल पार्ट होगा, और इमेजिनरी पार्ट होता है आई इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ दे रखा है यू प्लस आई इंटू वी। फिर कंपेयर कर लेंगे कि यू की जो वैल्यू है ये है और वी की जो वैल्यू है ये होगी। यू इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एंड वी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अंडर दिस चेंज यहाँ पे एक्स एक्स वाई और एक्स वाई की वैल्यू यहाँ ले लेंगे, एक्स इक्वल्स टू जीरो वाई इक्वल्स टू जीरो एक्स इक्वल्स टू टू एंड वाई इक्वल्स टू थ्री। यहाँ से हमें देखो यू और वी के वैल्यू मिलेंगे, यू इक्वल्स टू यहाँ पे अगर एक्स की जगह जीरो पुट कर लेते हो तो यहाँ मिलेगा माइनस वाई, फिर वी की जगह जीरो पुट कर लेंगे तो यहाँ से मिलेगा वाई, पर हमें एक्स और वाई नहीं चाहिए, यहाँ पे वाई दे रखा है तो उसको कैंसिल कर लेंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे u और v को तो ये y क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, मतलब u प्लस v इक्वल्स टू क्या मिलेगा जीरो। फिर y की वैल्यू पुट कर लेंगे जीरो u और v में, तो देखो ये होगा u इक्वल्स टू x माइनस जीरो, ये तो होगा कैंसिल, फिर v इक्वल्स टू यहाँ से v मिलेगा v इक्वल्स टू x क्योंकि y क्या होगा जीरो। तो x हमें कैंसिल करना है तो उसके लिए हम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, u माइनस v इक्वल्स टू जीरो। x इक्वल्स टू टू पुट कर लेंगे u में तो ये होगा u इक्वल्स टू टू माइनस वाई, एंड v में पुट कर लेते हैं तो ये होगा टू प्लस वाई, यहाँ से माइनस वाई प्लस वाई दे रखा है तो यहाँ हमें ऐड करना पड़ेगा u और v को, y कैंसिल हो जाएगा। u प्लस वी इक्वल्स यहाँ से हम y कैंसिल कर लेते हैं तो टू प्लस टू क्या होगा फोर होगा, फिर y की वैल्यू थ्री पुट कर लेंगे u में
तो u इक्वल्स टू मिलेगा x माइनस थ्री, और v में पुट कर लेते हैं y की वैल्यू 3, तो ये होगा x प्लस 3। हम यहाँ से x कैंसिल करना पड़ेगा, तो x कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, v को सब्ट्रैक्ट करेंगे u से, तो यहाँ से u माइनस v होगा, x कैंसिल हो जाएगा और ये होगा माइनस 3 और ये माइनस 3 मतलब माइनस 6। तो ये हमें पॉइंट मिले हैं, इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे और फिर हम जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है कि किस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन है ये भी हम लिख लेंगे। दिस इज अ u एंड दिस इज अ v। देखो पहली लाइन u प्लस v इक्वल्स टू जीरो, मतलब u पॉजिटिव होगा तो v निगेटिव, या फिर v पॉजिटिव होता है तो u निगेटिव, मतलब ये लाइन ऐसी होगी। फिर u माइनस v इक्वल्स टू जीरो, मतलब u पॉजिटिव तो v भी पॉजिटिव, u निगेटिव तो v निगेटिव, मतलब ये लाइन ऐसी होगी। फिर दे रखा है u प्लस v इक्वल्स टू फोर, मतलब u भी फोर है और v भी फोर है, u पॉजिटिव है 1 2 3 4 यह आएगा, और v भी फोर मतलब 1 2 3 एंड 4, तो ये लाइन ऐसे होगी। फिर दे रखा है u इक्वल्स टू माइनस सिक्स, मतलब u इधर होगा 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ पे, और v होगा पॉजिटिव 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 मान लेते यहाँ पे है, लाइन हमें ऐसी मिलेगी। तो देखो यहाँ से हम ग्राफ तैयार कर लेते हैं, तो ये ऐसा होगा, ये हमारा ग्राफ होगा और ये रीजन होगा कॉमन रीजन आर डैश, ये हम कट कर लेंगे। दिस इज अ रेक्टेंगुलर रीजन, दिस इज अ ओ डैश ए डैश एंड बी डैश एंड सी डैश एंड दिस इज अ डब्लू प्लेन। ये पॉइंट्स लिख लेंगे, u प्लस वी इक्वल्स टू जीरो, ये होती है u माइनस वी इक्वल्स टू जीरो, ये u प्लस वी इक्वल्स टू फोर एंड दिस इज u माइनस वी इक्वल्स टू सिक्स। Thus, the rectangular region R in the z-plane into the rectangular region R dash in the w-plane bounded by the lines u plus v equals to 0, u minus v equals to 0, u plus v equals to 4 and u minus v equals to minus 6। फिर ट्रांसफॉर्मेशन किस टाइप का है ये भी लिख लेते हैं। दिस ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म अ रोटेशन आर टू एन एंगल पाई बाय फोर एंड अ मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंथ of magnitude root of 2। और एक क्वेश्चन देख लेंगे, ये क्वेश्चन देख लेते हैं फिर इस वीडियो टॉपिक को खत्म करेंगे। सॉल्यूशन देखो हमें दे रखा है, लेट अ रेक्टेंगुलर रीजन आर इज बाउंडेड बाय एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू टू एंड वाई इक्वल टू वन। डिटरमाइन द रीजन आर डैश ऑफ डब्ल्यू प्लेन इंटू विच आर इज मैप्ड अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमें ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है। तो पहले हम जो लाइन दे रखे हैं उसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एंड दिस इज ओरिजिन ओ। एक्स जीरो वाई जीरो मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, ये दे रखा है एक्स इक्वल्स टू टू वन टू और ये वन वन टू, तो ये होगा वन, तो ये रीजन ऐसा बनेगा। दिस इज रीजन आर ओ ए बी एंड सी,
तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे। लेट द गिवन रीजन आर बाउंडेड बाय द लाइंस एक्स इक्वल्स टू जीरो, वाई इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू टू एंड वाई इक्वल्स टू वन। फिर गिवन ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज डब्ल्यू इक्वल्स टू रूट ऑफ टू इंटू ए टू द पावर आई इंटू पाई बाय फोर इंटू जेड प्लस वन माइनस टू इंटू आई। डब्ल्यू मतलब होता है यू प्लस आई इंटू वी इक्वल्स टू रूट ऑफ टू इंटू द ब्रैकेट ई टू द पावर आई इंटू पाई बाय फोर, ये होता है कॉस पाई बाय फोर प्लस आई इंटू साइन पाई बाय फोर इंटू जेड, जेड मतलब एक्स प्लस आई इंटू वाई प्लस वन माइनस टू इंटू आई। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। रूट ऑफ टू इंटू कॉस पाई बाय फोर की जो वैल्यू होती है वन बाई रूट ऑफ टू होती है प्लस आई इंटू साइन पाई बाय फोर की वैल्यू वो भी क्या होगी वन बाई रूट ऑफ टू इंटू एक्स प्लस आई इंटू वाई प्लस वन माइनस टू इंटू आई। तो यहाँ से सॉल्व करें तो ये मिलेगा वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू यहाँ से कॉमन निकालेंगे और ये वन रूट ऑफ टू क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ रहेगा वन प्लस आई इंटू द ब्रैकेट एक्स प्लस आई इंटू वाई प्लस वन माइनस टू इंटू आयोटा। इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से मिलेगा वन को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये होगा एक्स प्लस आई इंटू वाई, फिर आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा प्लस आई ऑफ एक्स और आई इंटू आई क्या होगा माइनस वन और ये होगा वाई प्लस वन माइनस टू इंटू आई। यहाँ से रियल मिलेगा हमें एक्स और ये होगा माइनस वाई और यहाँ से प्लस वन और इमेजिनरी पार्ट होगा यहाँ से वाई प्लस एक्स दैट मीन्स एक्स प्लस वाई और ये माइनस टू और इस साइड है यू प्लस आई इंटू वी, फिर यू की जो वैल्यू होगी ये होगी और वी की जो वैल्यू होगी ये होगी। u इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई प्लस वन और v जो होगा x प्लस वाई माइनस टू। फिर जो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं x जीरो वाई जीरो एक्स इक्वल्स टू टू एंड y इक्वल्स टू वन, ये पुट करेंगे फिर u और v के हमें कोऑर्डिनेट मिलेंगे। अंडर दिस चेंज x इक्वल्स टू जीरो y इक्वल्स टू जीरो एक्स इक्वल्स टू टू एंड वाई इक्वल्स टू वन। तो एक्स इक्वल्स टू जीरो हम यू में पुट करें तो यहाँ से मिलेगा यू इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस वन और वी में पुट करें तो ये होगा वाई माइनस टू, दैट इम्प्लाइज हमें वाई कैंसिल करना है तो यहाँ यू और वी को क्या करना पड़ेगा ऐड करेंगे तो यू प्लस वी इक्वल्स टू यहाँ से माइनस वाई प्लस वाई ये कैंसिल होगा ये होगा वन और ये होगा माइनस टू दैट मीन्स माइनस वन। फिर y की जो वैल्यू है जीरो ये पुट करेंगे u में तो ये वहाँ से मिलेगा u इक्वल्स टू एक्स प्लस वन और v में पुट करते हैं तो यहाँ से मिलेगा x माइनस टू दैट इम्प्लाइज हमें x को कैंसिल करना है मतलब u और v को क्या करेंगे माइनस करेंगे u माइनस v इक्वल्स टू यहाँ से x कैंसिल होगा और ये होगा वन और यहाँ से प्लस टू दैट मीन्स थ्री। फिर x की वैल्यू टू वहाँ पुट करें तो ये होगा u इक्वल्स टू टू और ये वन थ्री माइनस वाई प्लस थ्री और v में पुट करते हैं टू तो ये होगा टू टू कैंसिल होगा मतलब यहाँ रहेगा y दैट इम्प्लाइज हमें y कैंसिल करना है इन दोनों को ऐड करेंगे u प्लस v इक्वल्स टू यहाँ से माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल होगा फिर सिर्फ रहेगा थ्री। फिर y इक्वल्स टू वन पुट करेंगे तो वहाँ से मिलेगा u इक्वल्स टू ये होगा वन और ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल होगा मतलब यहाँ से x मिलेगा और v में पुट करते y की वैल्यू वन तो ये वन माइनस टू दैट मीन्स माइनस वन एक्स माइनस वन दैट इम्प्लाइज यहाँ से हमें x कैंसिल करना है तो माइनस करेंगे u माइनस वी इक्वल्स टू यहाँ से x कैंसिल होगा और माइनस वी है मतलब ये क्या होगा प्लस वन। तो जो पॉइंट्स दे रखे हैं उसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे और ये जो ग्राफ मिलेगा ये रेक्टेंगुलर ग्राफ मिलेगा। दिस इज़ यू एक्सिस एंड दिस इज़ वी, ये पॉजिटिव होता है ये निगेटिव।
पहली लाइन दे रखे है यू प्लस वी इक्वल्स टू माइनस वन, मतलब यू भी क्या होगा माइनस वन और वी भी माइनस वन, यू माइनस वन मतलब यहाँ और वी माइनस वन यहाँ, तो ये लाइन ऐसी होगी। फिर सेकंड दे रखे है यू इक्वल्स टू थ्री, यू यहाँ पे थ्री होगी, वन टू थ्री यहाँ, और वी इक्वल्स टू माइनस थ्री, तो ये यहाँ वन टू थ्री, ये लाइन ऐसी आएगी। फिर u इक्वल्स टू थ्री एंड v इक्वल्स टू थ्री, वन टू थ्री ये u और v थ्री होगा, मतलब ये यहाँ वन टू एंड थ्री, इसको ज्वाइन कर लेंगे। फिर u इक्वल्स टू वन एंड v इक्वल्स टू माइनस वन, u इक्वल्स टू वन यहाँ और v इक्वल्स टू माइनस वन मतलब यहाँ, तो ये ऐसा होगा। तो आप देख रहे हो कि ये हमें जो रीजन मिल रहा है ये है, ये कॉमन रीजन है एंड दिस इज आर डैश, दिस इज ओ डैश ए डैश एंड दिस इज बी डैश एंड सी डैश। ये जो लाइन है लाइन के भी इक्वेशन लिख लेंगे, होगी u प्लस वी इक्वल्स टू माइनस वन, ये सेकंड लाइन u माइनस वी इक्वल्स टू थ्री, फिर ये थर्ड लाइन होगी u प्लस वी इक्वल्स टू थ्री, और ये जो होगी u माइनस वी इक्वल्स टू वन, और ये होगा हमारा ग्राफ w प्लेन। दस अ रेक्टेंगुलर रीजन आर इन द z प्लेन इज ट्रांसफॉर्म इन टू द रेक्टेंगुलर रीजन आर डैश इन द डब्लू प्लेन। बाउंडेड बाय द लाइन्स पहली लाइन है u प्लस वी इक्वल्स टू माइनस वन, यू माइनस वी इक्वल्स टू थ्री, यू प्लस वी इक्वल्स टू थ्री एंड यू माइनस वी इक्वल्स टू वन, तो ये होगा हमारा आंसर। इसके बाद मैं और एक वीडियो ले जिसमें मैं और क्वेश्चन लूँगा और फिर उस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट में ज़रूर लिखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।